सो हाय गाइस, आई एम आयुष एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अनग्रेजुएट गेमर। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? सभी लोग बढ़िया होंगे एंड गाइस आगे ही बढ़िया है। सो गाइस, एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक के साथ M82 वर्सेस AWM के वर्सेस के साथ हम आ चुके हैं। आपको पता होना चाहिए रैंक में आ चुकी है अपनी M82 जो कि रैंक है बहुत ही घातक गन है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये देखो। तो भाई लोग, अभी आप जो देखने वाले हो ना M82V वर्सेस AWM, ये कोई क्लैश स्क्वाड की वीडियो नहीं। आपको पता है दोनों स्नाइपर एक साथ नहीं आती है। तो भाई लोग, इसके लिए इतने कस्टम बर्बाद हुए ना। पहले तो हमने सोचा रैंडम बंदों के साथ ही बना लेंगे, मतलब रैंडम बंदों के साथ हम कोने में जाके लड़ लेंगे, लेकिन यार वो कैसे भी ना कैसे करके मार ही जा रहे थे। ठीक है, लास्ट में गिल्ड के बंदों को बुला के फिर बाउंटी में AWM ढूंढी, बड़ी मुश्किल से AWM मिली। गरेना भाई हमारी जो चीज़ चाहिए होती वो देती नहीं है, बाउंटी खाली, मतलब मेरी तो बाउंटी हमेशा ही खाली जा रही थी। ठीक है, तो गाइस बड़ी मुश्किल से कम से कम 5-6-7 कस्टम के बाद AWM और M82 भी एक गेम में मिली। ओके, उसके बाद आप देख लेना गेम प्ले जो भी है। ठीक है, एंड बता दे रहा हूँ क्लैश स्क्वाड तो हो ही नहीं सकता, आपको पता ही है। एंड गाइस, ये एक और चीज़ देखिए यार, ये आप देख रहे हो, ये मैंने पिछली बार बोला था 70% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मतलब पिछली बार से इंप्रूवमेंट हुआ है, देख सकते हो 1% का इंप्रूवमेंट हुआ है। तो गाइस, जो भी भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, 70% भाइयों ने, सब्सक्राइब कर लो। इसको 50-50 लाना है। ठीक है, आप रेगुलर वीडियोस देखते हो तो भाई लोग सब्सक्राइब भी कर लो। सो भाई लोग, ये वर्सेस करके अपने पुराने दिनों की याद आ गई। पहले क्लैश स्क्वाड नहीं था ना, तो ऐसी वर्सेस करना पड़ता था। याद होगा जो पुराना प्लेयर होगा, जब क्लैश स्क्वाड नहीं था तो ऐसी करते थे गाइस। तो भाई लोग, पहले 2 राउंड में मैंने की थी गलती। वो गलती क्या थी, देखो ये थी। पहले तो मैं आपको बताऊंगा, पहले तो ये थी, मैंने एक ग्लू वॉल लगाई M82 के सामने। एक ग्लू वॉल तो आपको लगानी ही नहीं है, आर पार करके मार जाएगी। ओके, तो पहला राउंड में हार गए। इसके अलावा एक और गलती की थी। अभी हम आते हैं दूसरे राउंड में गाइस। ऐसी पहले वर्सेस करते थे, आपको पता हो, जब से क्लैश स्क्वाड आया तो ये प्रॉब्लम दूर हो गई है। ठीक है, तो ये सब बहुत परेशानियाँ होती यार। तो अभी मैं दूसरे राउंड में आया एंड फिर से मैं डाउन, मतलब AWM मैं चला रहा हूँ एंड 2 बार में हार गया M82 से। गलती में क्या कर रहा था पता है, मैंने यहाँ पे स्कोप नॉर्मल किया हुआ था, मेरे को करना था होल्ड ऑन फायर। आपको पता होनी चाहिए गाइस, जब नॉर्मल स्कोप होता है तो आप स्विच भी कर लोगे तब भी आपकी गन रिलोड होगी। तो अभी मैंने होल्ड ऑन फायर कर लिया। मैं तीसरे राउंड में गया गाइस, तो मैंने एक फटका दिया, दो दिया, तीसरा लगा, चौथा हेड। ठीक है, ये गलती हो रही थी मेरे से 2 राउंडों में। आपको पता है ना, वहाँ पे मेरी रिलोड नहीं हो पा रही थी गन, एंड मैंने होल्ड ऑन फायर किया तो रिलोड हुई। सो भाई लोग, अभी हमारा स्कोर है 2-1। दो है हमारी M82B और एक है AWM। अभी हम आ गए अपने तीसरे राउंड में एंड बहुत देख के खेल रहा हूँ मैं इस राउंड को गाइस। आज से 5-6 महीने पहले ऐसी वर्सेस करते थे, अगर आपको नहीं पता है तो पता होनी चाहिए यार। पहले क्लैश स्क्वाड नहीं था तो कस्टम बनाते थे एंड गन ढूंढते थे, ग्लू वॉल ढूंढते थे, एक एक ऐसी वर्सेस करते थे यार। बड़ा मुश्किल होता था, गन नहीं मिलती थी, ग्लू वॉल नहीं मिलती थी, तो यार ऐसी इसमें AWM नहीं मिल रही थी, कभी M82 नहीं मिल रही थी, तो यार पुराने दिन मतलब याद आ गए, मतलब तेल ही निकल गया भाई, तेल सही निकल गया, पसीना ढाल गया भाई इसको वीडियो को बनाने में भाई, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुए जा रहा है गाइस। तो गाइस मैं फिर से रश करता हुआ यहाँ पे, बिल्कुल मैं रश कर रहा था मैं इस पे, मेरे पास जोश सा आ गया था भाई। मैंने एक हेड मारा ना तो मेरे पे जोश आ गया था, मैंने इसको मारा और उज्ज्वल ने मेरे को दे दिया यहाँ पे बहुत गंदा वाला M82B का हेड। भाई लोग, यहाँ पे हमारा स्कोर हो चुका है 3-1, 3 M82B 1 AWM। गाइस मैं अपना पर्सनल आपको ओपिनियन दूँ तो देखो, रैंक मैच में M82B बहुत ओपी है, लेकिन आप जब वर्सेस करोगे, ज़्यादातर अनलिमिटेड ग्लू वॉल का होता है, तो AWM ओपी है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ ऐसा क्यों। देखो गाइस यार, रिलोड की बड़ी समस्या है अपनी। तो यहाँ पे हम चौथे राउंड में आते हुए गाइस, यहाँ पे मेरे को दो दो ग्लू वॉल लगानी है। मैंने आपको बताया ना, M82B के सामने हमेशा 2-3 ग्लू लगानी है। एक तो भाई वो कब आर पार मारेगी, कब फोड़ेगी, पता ही नहीं चलेगा गाइस। ठीक है, तो उज्ज्वल जोश में आता हुआ यहाँ पे, वो 3 आ गया तो मैंने फायर दिया और डाउन उज्ज्वल। तो भाई लोग, यहाँ पे हमारा स्कोर हो चुका है 3-2, 2 AWM एंड 3 M82B। ठीक है, तो अभी हम आ चुके हैं भाई लोग अपने 6th राउंड है भाई। राउंड भी याद करने पड़ते हैं यार इसमें बहुत बवाल है भाई, मतलब इतनी फ्रस्ट्रेशन सी हो रही थी ना इस वीडियो को बनाने में, भाई मुझे ही पता है यार, मतलब इतनी देर बाद मिली।
तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने सिक्स राउंड में, तो देखते हैं क्या हम उज्जवल को मार पाएंगे। एंड मैंने यहाँ पे फटका दिया उज्जवल को, एक बहुत गंदा वाला फटका दिया है उसको 150 का शायद से, एंड मेरे पास आया और उसको मार दिया है गाइस। तो गाइस यहाँ पे हमने स्कोर कर लिया 3-3, हमने यहाँ पे तगड़ी वाली वापसी की है। सो भाई लोग अभी 3-3 राउंड बराबर हो गए, एंड मैं अभी चलाने वाला हूँ M82V 2 राउंड। ओके गाइस मैं आपको अपना ओपिनियन, आपको देखो कमेंट बॉक्स में बताना आपकी फेवरेट कौन है। देखो किंग तो देखो AWM, कभी भी स्नाइपर का नाम आएगा तो AWM तो आनी है। लेकिन गाइस अगर आप है लिमिटेड ग्लू बॉल है तो M82V छोड़ने वाली नहीं है, ठीक है, लिमिटेड ग्लू बॉल में, मतलब रैंक मैच में, ठीक है। बट फिर से कह रहा हूँ AWM का डैमेज इतना है, 150 का फटका मारती है तो सामने वाले की भाई हाथ में आ जाती है हाथ में आ जाती है, दिल हाथ में आ जाता है भाई, है ना। तो यार मैं तो भाई बहुत कंफ्यूज हूँ, आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सी बेटर है। देखो मैं तो देखो AWM से भी मार लिया, मैंने M82V से भी मार लिया, ठीक है। AWM मेरे लिए इसीलिए अच्छा है, देखो यहाँ पे मारा कभी कभार वो 200 का भी डैमेज दे जाती है, उसका रैंक में आर्म उसका वो भी है, जो भी होता है उसका अटैचमेंट वो वेस्ट पे तगड़ा डैमेज देता है, ठीक। गाइस तो आपको बताना है आपकी फेवरेट कौन सी है ऐसी गेमर, मैं बताऊं भाई मेरे लिए तो दोनों ओपी है, क्योंकि यार चलाने वाले के ऊपर डिपेंड होना होता है, मतलब बहुत होता है यार कितनी जल्दी आप स्विच करते हो, रिलोड करते हो एंड सब कुछ। और गाइस यार ये कस्टम में यार बहुत टाइम लगा यार, मतलब सोचने से ज़्यादा टाइम लगा। सुबह भुया से मैं गया, 9 बजे मैं लाइव बंद कर दी थी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। 9 बजे से जाके वीडियो बनी भाई 12:30 बजे, मतलब समझ रहे हो आप, दिमाग ऊपर से अलग ख़राब हुआ यार बंदे यार। गाइस आप डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, ऐसी वीडियो बनानी होती है तो यार हेल्प चाहिए होगी लोगों की कस्टम में आने के लिए, क्योंकि यार बंदे रैंडम बंदे आते हैं वो पील जाते हैं यार, मतलब मार जाते हैं वो, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लेना, देखो सब्सक्राइब करते हुए आना भाई लोग, 70% लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। एंड हाँ गाइस याद से सब्सक्राइब कर लेना, 50-50 करना है उनको, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, कमेंट में आपको करना है कौन सी बेस्ट है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।